अप्रैल के महीने में रबी की फसल काटी जाती है, जिसके बाद किसान नए साल की शुरुआत के तौर पर बैसाखी मनाते हैं, जो कि 14 अप्रैल यानी कि शनिवार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। वैसे तो आम तौर पर बैसाखी का त्योहार हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आता है, लेकिन इस साल बैसाखी मुस्कान के साथ साथ कई शुभ संयोग भी लेकर आया है। दरअसल आमतौर पर कोई भी महीना 30 या फिर 31 दिन का होता है, लेकिन इस साल बैसाखी का महीना 60 दिन का होगा। मतलब इस बार लगातार दो महीने बैसाखी के महीने के तौर पर ही चलेंगे। पहला महीना 30 मार्च से शुरू हो चुका है, जो 28 अप्रैल तक चलेगा, तो वहीं दूसरा महीना 29 अप्रैल से 28 मई तक चलेगा। अधिक मास तब पड़ता है जब हर वर्ष तिथियों का अक्षय होता है, यानी कि जब लगातार 3 वर्ष तक तिथियों का अक्षय होता है तो एक माह अधिक हो जाता है, जो कि हर तीसरे वर्ष पड़ता है। हर तीसरे वर्ष एक अधिक मास होता है, और इस वर्ष जो अधिक मास पड़ रहा है वो 16 मई से 13 जून के बीच में पड़ेगा, यानी कि ज्येष्ठ जो मास है इस बार दो होंगे। अगर पूरा कंप्लीट देखा जाए ज्येष्ठ मास तो 30 अप्रैल से लेकर 27 जून तक चलने वाला है। बताया जा रहा है कि इस साल ग्रहों के हेरफेर के कारण ऐसी स्थिति बन रही है, ऐसे में इस दिन गंगा में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान और दान दक्षिणा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आप सूर्य उपासना कर मनचाहा फल भी पा सकते हैं।